डियर स्टूडेंट्स, आज हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले आपने रिफ्रैक्शन के बारे में कुछ और भी आइडिया लिया था। आइए हम थोड़ा सा पिछला देखते हैं, हमने क्या क्या किया था। हम रिफ्रैक्शन के बारे में थोड़ा जाने। पिछला रिफ्रैक्शन में आपको बताया गया था, अगर रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, इट्स पाथ इज डेविएटेड, मीन्स इसका पाथ चेंज हो जाता है। इसको थोड़ा सा और डिटेल में जाने। अगर लाइट हमारे पास रेरर मीडियम से डेंसर में आती है तो क्या होगा, इट विल बेंड्स टुवार्ड्स द नॉर्मल, और अगर ये डेंसर से रेरर में जाए तो इट विल अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये बात आपको बहुत पूरी तरीके से ध्यान में रखनी है। और आपको कुछ मीडियम्स के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको पिछली बार बताए गए थे, जैसे कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 के करीब होता है। ये क्यों बोला मैंने 1.5 के करीब, क्योंकि अलग अलग ग्लासेस के लिए ये अलग अलग होता है। वाटर का 1.33, ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। इसके बाद आपको लेटरल शिफ्ट के बारे में आपको बताया था। लेटरल शिफ्ट का मतलब आप समझ गए थे कि अगर लाइट तिरछी ग्लास शीट पे पड़ती है तो वो जो फाइनल निकल के आती है उन दोनों में कुछ चेंज आता है। और आपको नॉर्मल शिफ्ट के बारे में बताया था, अगर हम किसी इमेज को, हम रेरर मीडियम में हैं और डेंसर में कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे कि छोटा सा उदाहरण लें, अगर एक सिक्का पानी की कटोरी में है और पानी उसमें भरा हुआ है तो थोड़ा सा ऊंचा दिखाई देता है। ये फिनोमिना हमने पिछली बार बताए थे। उसके बाद हम आगे चलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर आते हैं। इसको आप घर पे भी देख सकते हो पूरे का पूरे प्रयोग को। मैं थोड़ा सा एक आपको हिंट देता हूँ, एक लेजर टॉर्च लेकर के आप एक बड़ा टब ले लें और टब में उस लेजर टॉर्च को डाल दें। इसके लिए क्या करेंगे आप, उसको लेमिनेट कर लें जिससे उसमें पानी नहीं जाए, और उससे आप बार बार लाइट ना पानी में डुबो दिया वो, और पानी से बाहर की तरफ लाइट को स्टडी करना है। देखें हम इस डायग्राम से हम कैसे समझें, तो उससे हमें पूरा के पूरा जो हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं उसी लाइट को एज इट इज देख सकते हैं। मैं आपको आगे बताता हूँ। कंसिडर ए सरफेस एक्स वाई सेपरेटिंग रेरर मीडियम। रेरर मीडियम यहाँ पर हमने एयर लिया है और उसको हमने ए से डिनोट किया है, थोड़ा ध्यान दें, फ्रॉम द डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम यहाँ पर हमारे पास बी है। आगे हम देखें, ए रे ऑफ लाइट ओ ए फ्रॉम ऑब्जेक्ट ओ। ऑब्जेक्ट डायग्राम में जैसे आप देख रहे हैं ऑब्जेक्ट ओ है, और यहाँ से लाइट हमारे पास डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम की तरफ आती है, और जो सरफेस है एक्स वाई उस पर ये नॉर्मली आ रही है। आप इसमें ये भी ध्यान से देख रहे हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस आप बता सकते हैं कितना होगा, नॉर्मल के साथ साथ है तो एंगल 0 डिग्री है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0 डिग्री होगा। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, ये लाइट एज इट इज हमारे पास चली जाएगी। आगे हम देखें दूसरे रे के लिए, अगर हम अपनी टॉर्च को थोड़ा सा तिरछा करते हैं तो आप ध्यान से देखेंगे कि ये जो नॉर्मल हम इमेजिन करते हैं कुछ एंगल बन रहा है हमारे पास डेंसर मीडियम में, तो डेंसर मीडियम में कुछ एंगल बन रहा है तो रेरर मीडियम में क्या होगा, आप देख रहे हैं ए वन बी वन, यहाँ पर ये कुछ एंगल है, ये हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। इसमें तो सिर्फ आपने क्या नोट किया, थोड़ा सा एंगल हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस तो डेंसर मीडियम में है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग रिफ्रैक्शन रेरर मीडियम में है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करते हैं, तो फिर आगे हम ऑब्जर्वेशन लेते हैं। थर्ड स्टेप में आप देखें, यहाँ पर जो रे हमारे पास ओ ए टू है, यहाँ पर हमने क्या किया, एंगल ऑफ इंसिडेंस को थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया, तो इसके साथ ही आप देखें ये यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी थोड़ा सा इंक्रीज हुआ। किसके कंपैरिजन में, जो पहले एंगल था उसके कंपैरिजन में यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन रेरर मीडियम में इंक्रीज हुआ है। आगे चलते हैं थर्ड स्टेप पर, ओ ए थ्री पर। ओ ए थ्री पर हम क्या देख रहे हैं, फिर हमने थोड़ा सा डेंसर मीडियम में एंगल को इंक्रीज कर दिया। एंगल को इंक्रीज करने के साथ साथ क्या हुआ, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी इंक्रीज होना था, कितना हो गया, आप यहां पर देख रहे हैं ये एंगल हमारे पास कितना हो गया, 90 डिग्री का। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, अगर हमने इंक्रीज करते करते एंगल को कितना इंक्रीज किया कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमारे पास 90 डिग्री हो जाए, तो इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को मैंने सी से दिखाया है और इसको हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इसको कैसे डिफाइन करें, इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम इज सच दैट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री, दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नोन एज क्रिटिकल एंगल। आगे हम देखें, अब हम इस एंगल को, एंगल ऑफ इंसिडेंस को डेंसर मीडियम में और थोड़ा सा इंक्रीज कर दें, कितना इंक्रीज करें, क्रिटिकल एंगल से थोड़ा और ज्यादा इंक्रीज कर दें, तो क्या होगा, आप जैसा कि डायग्राम में देख रहे हैं ये रे वापिस हमारे पास ओ ए फोर के अलोंग जा रही है, और ए फोर बी फोर के अलोंग
ये वापिस उसी मीडियम में आ जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी संभव है कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में रे जाए ही नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ओ ए फोर के अलोंग जब हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होता है, ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, द रे रिफ्लेक्ट बैक इन द सेम मीडियम, दिस फिनोमिना इज नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। फिर मैं इसकी एक बार डेफिनेशन बताता हूँ, व्हाट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, द रे रिफ्लेक्ट बैक इन द सेम मीडियम। सेम मीडियम का मीनिंग क्या है यहाँ पर, डेंसर मीडियम, दिस फिनोमिना इज नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आगे हम देखें थोड़ा सा, क्रिटिकल एंगल को हमने यहाँ पे इस तरीके से बताया है, एज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इंक्रीज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन एयर ऑल्सो गोज ऑन इंक्रीजिंग टिल फॉर ए सर्टेन एंगल ऑफ इंसिडेंस सी कॉल्ड क्रिटिकल एंगल, द रिफ्रैक्टेड रे ट्रेवल्स अलोंग द सर्फेस ऑफ सेपरेशन, इट इम्प्लाइज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम जस्ट 90 डिग्री। ये क्रिटिकल एंगल के लिए है। इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज फर्दर इंक्रीज देयर विल बी नो रिफ्रैक्टेड रे। इस लाइन को आप ध्यान दें, रिफ्रैक्टेड मीन्स दूसरे मीडियम में रे नहीं आ रही है, वापस उसी में आ जाती है। ए रे सच एज ओ ए फोर इंसिडेंट एट एन एंगल ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल गेट रिफ्लेक्टेड अलोंग ए फोर बी फोर अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। जैसा कि आपने छोटी क्लास में पढ़ा था, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या था, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इस डेफिनेशन को हम फिर आपको हाईलाइट करके बताते हैं, डेफिनेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, आप इसको पूरी तरीके से ध्यान में रखें, ये एग्जाम में भी पूछी जाती है। व्हेन लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेरर मीडियम फॉल्स ऑन द इंटरफेस एट एन एंगल ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, इट इज रिफ्लेक्टेड बैक इन टू द सेम मीडियम, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब आइए देखें कि क्या कंडीशंस हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए। तो हम ये लेते हैं टॉपिक, व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। द फर्स्ट कंडीशन इज द ऑब्जेक्ट मस्ट लाई इन द डेंसर मीडियम। अगर आप ये सोचो कि हम एयर में खड़े हैं या तालाब के किनारे पर खड़े हैं टॉर्च लेकर के, हमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑब्जर्व हो जाएगा, नहीं होगा। कैसे होगा, ये जरूरी है कि हमारे पास लाइट का सोर्स कहाँ पे होना चाहिए, डेंसर मीडियम में। तो पहला क्या हुआ, द ऑब्जेक्ट मस्ट लाई इन द डेंसर मीडियम। सेकेंड, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम, फिर यहाँ पर मैंने डेंसर मीडियम को यूज़ किया है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडिया। यहाँ पर जो ये लाइन यूज की गई है, गिवन पेयर ऑफ मीडिया, जैसे यहाँ पर मैं बार बार वाटर कह रहा हूँ, ग्लास से एयर भी हो सकता है, ग्लास के बजाय एल्कोहल या और भी कोई ऑप्टिकली डेंसर मीडियम भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पर ये क्या लाइन हमने काम में ली है, गिवन पेयर ऑफ मीडिया। आइए अब हम आगे चलते हैं, रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड क्रिटिकल एंगल। अब हम ये जानना चाहेंगे कि क्रिटिकल एंगल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्या रिलेशन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बढ़ाएं या घटाएं तो हमारे पास क्रिटिकल एंगल पे क्या इफेक्ट होगा। आइए जानें, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेरर मीडियम ए विद रेस्पेक्ट टू डेंसर मीडियम। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, मैं ये बोल रहा हूँ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेरर मीडियम ए मीन्स एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेंसर के रेस्पेक्ट में मैं ले रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या डिनोट किया है, म्यू बी ए। क्या है एक्चुअल में, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए विद रेस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू साइन आई डिवाइड बाई साइन आर। यहाँ पे आप ध्यान दें, ये आई हमारे पास कहाँ पर है, ये एंगल ये डेंसर मीडियम में बन रहा है और आर रेरर मीडियम में है। व्हेन द रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट एट क्रिटिकल एंगल, अगर हम क्या माने, अगर हमारी रे ऑफ लाइट एंगल इंसिडेंस कितना हो जाता है, क्रिटिकल एंगल के बराबर, तो हम देखें आई इज इक्वल टू सी, तो अभी आपको बताया था आर कितना हो जाता है, 90 डिग्री के बराबर। तो इन दोनों वैल्यूज को अगर हम इक्वेशन में रखें फर्स्ट में, तो क्या मिलेगा हमारे पास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए विद रेस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू साइन सी, मतलब आई की जगह तो हमने सी रख दिया और आर की जगह 90 डिग्री, तो साइन सी अपॉन साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू साइन सी। क्यों लिखा है, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू 1 है, पिछली बार आपको मैंने बताया था प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी से, आप देख रहे हैं म्यू बी ए इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू ए बी, ठीक है। तो इसको हम ऊपर वाली इक्वेशन में अगर हम काम में लेते हैं,
तो क्या हो जाएगा, उसका भी रेसिप्रोकल कर दें और साइन सी का भी रेसिप्रोकल कर दें, तो हमारे पास क्या मिलेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी। अब ध्यान से सुनना, पहले मैं बार बार ये कह रहा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए विद रेस्पेक्ट टू बी, अब मैं क्या बोल रहा हूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी विद रेस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू 1/sin C। ये हमारे पास रिलेशन आ गया, किस में आया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्रिटिकल एंगल में। आप इसको नोट करके रखें, ये आपको काम आएगा बार बार, कुछ न्यूमेरिकल्स भी अभी हम इस पे देखने वाले हैं। अब आगे देखो, ये लिखा हुआ है देयर इज प्रैक्टिकली नो लॉस ऑफ लाइट इन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसका मीनिंग क्या हुआ कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में 100% लाइट रिफ्लेक्ट होती है। अब आप जानोगे कि लाइट तो मिरर से भी रिफ्लेक्ट होती है, जो सुबह हम अपना मुंह देखते हैं शीशे में उसे भी रिफ्लेक्ट होती है, लेकिन उसमें जो रिफ्लेक्शन होता है ना वो 100% नहीं होता। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, कितना होता है, 92-95% तक होता है, बाकी लाइट कहाँ गई उसमें। आपने देखा है उसका जो एक मोटी ग्लास की सरफेस भी होती है, उस पर जब लाइट आती है तो उसमें कुछ रिफ्लेक्शन के फिनोमिना होता है, उसकी वजह से एक बात, दूसरा उसकी पॉलिशिंग की वजह से कुछ लाइट का पार्ट डिक्रीज हो जाता है। लेकिन यहां पर हम क्या देख रहे हैं, देयर इज प्रैक्टिकली नो लॉस ऑफ लाइट इन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, 100% हमें लाइट वापस मिल जाती है। व्हाइल इन रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए मिरर ए स्मॉल पार्ट ऑफ लाइट इज एब्जॉर्ब। अब हम इस लिस्ट की तरफ थोड़ा ध्यान से देखें, मैंने कुछ इसमें कुछ एक सब्सटेंसेस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिए हैं और क्रिटिकल एंगल लिया है। तो पहला वाटर का है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33, और उसके लिए हम क्रिटिकल एंगल कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है हमारे पास 48.75 क्राउन ग्लास के लिए, 1.52 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और क्रिटिकल एंगल है 41.14। ये दूसरी क्वालिटी है ग्लास की, फ्लिंट ग्लास, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.62 और इसके लिए क्रिटिकल एंगल है 37.31। आगे हमने डायमंड लिया है, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2.42 और इसके लिए क्रिटिकल एंगल है 24.41। ये तो मैंने आपको वैल्यूज बताई हैं। अब आप इस टेबल से थोड़ा ध्यान दीजिए, 1.33, 1.52, 1.62, 2.42, इसका मीनिंग क्या है, यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज हो रहा है। साथ में आप क्रिटिकल एंगल पे ध्यान दें, क्या हो रहा है, 48 की फिगर है, 41, 37, 24, इसका मीनिंग क्या हुआ, क्रिटिकल एंगल हमारे पास डिक्रीज हो रहा है। तो आप क्या देख रहे हैं, अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ाते हैं तो क्रिटिकल एंगल डिक्रीज होता है। तो इस बात को आप ध्यान दें, जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा क्रिटिकल एंगल उसका कम आएगा। वैसे भी आपको रिलेशन मालूम है, म्यू इज इक्वल टू 1/sin C। आगे देखें, इट इज क्लियर दैट द ग्रेटर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम द स्मॉलर इज द क्रिटिकल एंगल। एक छोटा सा क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड, द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ए लिक्विड इज 1.5 × 10⁸ m/s। लाइट की वेलोसिटी कहां पर ले रहे हैं, लिक्विड में, एंड इन एयर इट इज 3 × 10⁸ m/s। इफ ए रे ऑफ लाइट पासिस फ्रॉम लिक्विड इन टू द एयर, ध्यान दीजिए कहां से जा रही है, लिक्विड से एयर में, इसका मीनिंग क्या हुआ, डेंसर टू रेयर मीडियम, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल। तो हमारे पास क्या क्या है, हम जानते हैं रिलेशन म्यू इज इक्वल टू 1/sin C, और इसके लिए हमें क्या चाहिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए म्यू। पिछले लेसन में मैंने आपको बताया था म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर ऑब्लिक वैक्यूम टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, दोनों वेलोसिटीज की हेल्प से हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लेंगे और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्या करना है हमें, क्रिटिकल एंगल निकालना है। तो देखें हम, हेयर वी 1.5 × 10⁸ m/s और सी 3.0 × 10⁸ m/s, और निकालना क्या है, क्रिटिकल एंगल। हम जानते हैं म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन वी इज इक्वल टू 1/sin C, क्योंकि म्यू इज इक्वल टू 1/sin C होता है। तो साइन सी क्या हो जाएगा, यहां से हम देखें जब इसका रेसिप्रोकल किया तो वी अपॉन सी, वी की वैल्यू और सी की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट की है। वी की वैल्यू क्या है, 1.5 × 10⁸ और सी की वैल्यू क्या है, 3 × 10⁸। तो क्या होगा इसमें, इसको कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा, साइन सी इज इक्वल टू 0.5 और साइन में 0.5 या 1/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन 30 डिग्री की। तो हम साइन सी को क्या लिखेंगे, साइन सी इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री के इक्वल, और दोनों अगर साइन के इन्वर्स लेंगे तो हमारे पास सी इज इक्वल टू 30 डिग्री आएगा। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इस क्वेश्चन में हमारे पास क्रिटिकल एंगल कितना होगा, 30 डिग्री। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
डिटरमाइन द क्रिटिकल एंगल फॉर ए ग्लास एयर सरफेस। ध्यान दीजिए, ग्लास इसका मीनिंग क्या है, डेंसर मीडियम तो हमारे पास ग्लास है और रेयर मीडियम हमारे पास एयर है। इफ रे ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंट फ्रॉम एयर, अब की बात ध्यान देना, लाइट कहाँ से स्टार्ट हुई है, एयर से। डेंसर मीडियम तो हमारे पास ग्लास है और रेयर मीडियम एयर है, तो एयर से हमारे पास लाइट स्टार्ट हुई है। ऑन द सरफेस सेपरेटिंग इट विद डेंसर मीडियम इट इज डेविएटेड थ्रू 15 डिग्री, इसका मीनिंग क्या हुआ, जिधर जिस पाथ पे उसको जाना चाहिए था उससे 15 डिग्री डेविएट हुई है, चेंज हुई है, थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज किया हुआ है। व्हेन इट्स एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 40 डिग्री, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, 40 डिग्री है, और हमें निकालना क्या है, इसमें भी क्रिटिकल एंगल निकालना है। तो आगे हम देखें इसका सॉल्यूशन, पहले हम इस फिगर से समझें, हमारे पास आई तो गिवन है लेकिन आर नहीं गिवन, आर हमें निकालना होगा। आप इस डायग्राम से देख रहे हैं कि इस रे को किस तरीके से यहां से स्ट्रेट जाना चाहिए था लेकिन ये बेंड हो गई, क्योंकि तुम जानते हैं इसकी प्रॉपर्टी है, व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, कितना बेंड हुआ है, 15 डिग्री, और इसको हमने क्वेश्चन में क्या दिया है, डेविएट, तो बाकी हमारे पास ये 40 डिग्री है तो हमारे पास ये एंगल कितना बचेगा, 25 डिग्री। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, 40 डिग्री, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है, 25 डिग्री। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें निकालना क्या है, क्रिटिकल एंगल, और ये हमने यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाया, एंगल ऑफ इंसिडेंस 40 डिग्री और एंगल ऑफ डेविएशन 15 डिग्री और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमारे पास आया 25 डिग्री। यहाँ पे हम देखें, हम जानते हैं म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, आई कहाँ पर है, यहाँ पर रेयर मीडियम में है, ध्यान दीजिए, और आर डेंसर मीडियम में है, तो आई की वैल्यू हमारे पास 40 डिग्री और आर की 25 डिग्री, तो म्यू हम क्या करेंगे, साइन 40 डिग्री अपॉन साइन 25 डिग्री हो गया। इसको टेबल की हेल्प से इन दोनों की वैल्यूज हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो म्यू इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, 0.6428 डिवाइड बाई 0.4226, इन दोनों को डिवाइड करने के बाद हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू आती है 1.52। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया म्यू, तो आप जानते हैं क्रिटिकल एंगल हम इजीली निकाल सकते हैं, क्या जानते हैं हम, म्यू इज इक्वल टू 1/sin c या साइन सी इज इक्वल टू 1/μ, तो वही हम करने जा रहे हैं, साइन सी इज इक्वल टू 1/μ, तो 1/μ की वैल्यू क्या है, 1.52, अगर 1 को हम 1.52 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है हमारे पास, 0.6579। फिर ध्यान दीजिए इसको फिर हमें टेबल में देखना पड़ेगा, इस वैल्यू को टेबल से देखने के बाद ये हमारे पास आती है 41.1 डिग्री, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, क्रिटिकल एंगल हमारे पास 41.1 डिग्री आया। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप के कई क्वेश्चन आप बुक्स में देखोगे, तो ध्यान से सुन लीजिए। आप इमेजिन करो, आप रूम में बैठे हैं, आपके सिर से ऊपर तक पानी भरा हुआ है और आपके पास एक टॉर्च है, तो आप कहाँ पर हुए, डेंसर मीडियम में, और आपने उस टॉर्च को जलाया और आपके ऊपर क्या है, रेयर मीडियम, तो क्या सोचते हैं कि आपकी लाइट छत तक पहुंच जाएगी, आप तो ये कहोगे डेफिनेटली पहुंच जाएगी क्योंकि दोनों ऑप्टिकल मीडियम है, लेकिन अगर टॉर्च को बार बार आप तिरछा करोगे तो एक कंडीशन कैसी आएगी, वो लाइट आपके जिस मीडियम में बैठे हैं वहां से बाहर नहीं जाएगी, वापस उसी में आ जाएगी, इसी फिनोमिना पर ये बेस्ड ये क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए। ए स्मॉल बल्ब इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ टैंक कंटेनिंग वाटर एट ए डेप्थ ऑफ 80 सेंटीमीटर, एक टैंक में पानी भरा हुआ है और बल्ब नीचे रखा हुआ है और डेप्थ कितनी है, 80 सेंटीमीटर, व्हाट इज द एरिया ऑफ सरफेस ऑफ वाटर थ्रू विच लाइट फ्रॉम द बल्ब कैन एमर्ज आउट, यहाँ पर ये पूछना चाह रहे हैं कि कितने एरिया में से लाइट बाहर निकलेगी, क्योंकि अभी मैं क्या कह रहा था कि कुछ एरिया तो ऐसा होगा जिसमें से लाइट निकल आती है लेकिन बाकी में से वो वापस लौट आती है, और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.33। आगे हम इसका सॉल्यूशन देखें, इस डायग्राम से आपको समझाया गया है, यहाँ पर एस आप देख रहे हैं, ये एस का मीनिंग क्या है, सोर्स या बल्ब कह दें हम, और आप जानते हैं कि अगर ये लाइट की रे जो आप मेरे साथ साथ पॉइंटर के साथ देख रहे हैं किस एंगल पे इसके पैरेलल होगी, या आप ये कहें कि ये जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होगा, आप जानते हैं क्रिटिकल एंगल पर, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, क्रिटिकल एंगल पर अगर ये लाइट यहाँ पर आती है तो ये लाइट पैरेलल हो गई, और इससे भी अगर थोड़ा सा एंगल बढ़ाएं तो क्या होगा, वापिस इसमें आ जाएगी, वापिस आने का मतलब क्या हुआ, बाहर की तरफ, मीन्स रेयर मीडियम में नहीं जा पा रही। सेम ऐसा लेफ्ट साइड देखें हम, यहाँ पर भी क्रिटिकल एंगल पर क्या हुई,
ये सरफेस के पैरेलल हो गई, और अगर इस एंगल से अगर थोड़ा सा भी अगर हम बढ़ाते हैं तो क्या होगा, लाइट वापस उसी मीडियम में आ जाती है। इसका मीनिंग क्या हुआ, यहां से आप देख रहे हैं कि ए बी के बीच में से ही लाइट निकलेगी। ये जो आप देख रहे हैं टू डायमेंशनल फिगर है, अगर ये थ्री डायमेंशनल में हो तो क्या होगा, एक सर्कुलर एरिया बनेगा जिसमें से कि लाइट निकल के आएगी कॉन की शेप में। तो वही हमें कैलकुलेट करना है। और यहां पर आप देख रहे हैं इधर भी मैंने इसको सी से दिखाया है और इसको भी सी से, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, ये दोनों अल्टरनेट एंगल हैं और इधर की साइड भी, तो यहां पर ये ट्वाइस सी हो जाएगा। तो हमारे पास जो क्रिटिकल एंगल आएगा उसका ट्वाइस हम कर देंगे। नेक्स्ट पेज पे देखें, सोर्स ऑफ लाइट इज एट एस, तो एस ओ, एस ओ का मीनिंग क्या है, लेयर से और सोर्स तक कितना है डेप्थ, 80 सेंटीमीटर, और मीटर में कन्वर्ट करेंगे 0.8 मीटर। और आई इज इक्वल टू सी हो तो क्या होगा, आप डायग्राम से भी देख रहे हैं एस ए इज इक्वल टू एस बी, और आर हमारे पास हो जाता है 90 डिग्री। आगे हम देखें इस डायग्राम में आर इज इक्वल टू क्या होगा, मैंने अभी आपको बताया था ए बी एक सर्कुलर शेप में बनेगा, इसलिए आर कितना होगा, ए बी के आधे के बराबर या ओ ए या ओ बी के बराबर। आगे हम जानते हैं म्यू इज इक्वल टू 1/sin c या साइन सी इज इक्वल टू 1/μ। म्यू की वैल्यू कितनी है, क्योंकि यहाँ पर मीडियम कौन सा है, वाटर, और वाटर के लिए इसकी वैल्यू हम रखते हैं 1.33, ये हमारे पास आता है 0.75। और इसके लिए हमारे पास क्रिटिकल एंगल की वैल्यू अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से देखें तो 48 डिग्री आएगी, तो सी इज इक्वल टू 48 डिग्री इन ट्राइंगल ओ बी एस। ध्यान से देखिए इस ट्राइंगल को ओ बी एस, यहाँ से टेन सी की वैल्यू लेते हैं, क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहाँ पर क्या होगा ये ओ बी अपॉन ओ एस। नेक्स्ट पेज पे देखें हम ओ बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ एस टेन सी, और ओ बी को किससे नोट किया है पीछे हमने, रेडियस से आर से, इज इक्वल टू ओ एस टेन, और सी की वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट की 48 डिग्री, तो 10 48 की डिग्री ये आती है हमारे पास 1.1345। अगर हम 0.8 को 1.1345 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 0.907, तो हमारे पास रेडियस आ गई कितनी आई है, लगभग 91 सेंटीमीटर। अब हम एरिया निकालना है, रेडियस गिवन है, तो उस सर्कुलर पार्ट का एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर के इक्वल, तो पाई की वैल्यू 3.14 मल्टीप्लाई 0.907 का होल स्क्वायर, और इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास एरिया आता है 2.518 स्क्वायर मीटर। ये हमारे पास एरिया आ गया, इसका मतलब लगभग 2.5 स्क्वायर मीटर में से लाइट आ रही होगी, कब, जब उसकी डेप्थ कितनी है, 80 सेंटीमीटर। ये भी ध्यान देना क्योंकि डेप्थ पे भी ये डिपेंड करता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपके दिमागी कसरत के लिए है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपसे थोड़ा सा जानना चाहेंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन विल टेक प्लेस व्हेन, मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होगा, ध्यान से सुनना और ध्यान से ही देखना, इसमें गलती नहीं हो। लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम, क्या बताया है पहले मैं, लाइट रेयरर से डेंसर में आती है तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। अगला स्टेप लेते हैं, लाइट ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन, मीन्स पानी में है तो पानी में ही जा रही है या हवा में तो हवा में जा रही है, तो क्या हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये दूसरा है। तीसरा देखें, लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेरर मीडियम, क्या कहा है इसमें, डेंसर से रेरर में जाती है तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। और फोर्थ है, लाइट ट्रेवल्स पैरेलल टू द सरफेस ऑफ टू मीडियाज, टू मीडियाज मीन्स एक तो हमारे पास डेंसर मीडियम है दूसरा रेरर, तो इसके पैरेलल जाए तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। आपको क्लियर मालूम हो गया, हमारा आंसर थर्ड है, लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेरर मीडियम। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन विल टेक प्लेस इफ, यहाँ ध्यान दीजिए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा यदि, पहला ए है व्हेन क्रिटिकल एंगल इज ग्रेटर देन द इंसिडेंस एंगल, क्या बोला है यहाँ पर, व्हेन क्रिटिकल एंगल इज ग्रेटर देन इंसिडेंस एंगल, ध्यान देना यहाँ पर कुछ कुछ सही भी लग रहा है लेकिन यहाँ पर गड़बड़ है। अगला देखें हम, बी क्रिटिकल एंगल इज लेस देन एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्रिटिकल एंगल कितना होना चाहिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस से कम होना चाहिए, और उलट के देखें तो आई इज ग्रेटर देन सी हो गया। अगला देखते हैं, क्रिटिकल एंगल इज इक्वल टू इंसिडेंस एंगल, क्रिटिकल एंगल किसके बराबर हो, एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर। डी पार्ट, क्रिटिकल एंगल इज ग्रेटर देन
रिफ्रैक्टेड एंगल किसके बराबर होना चाहिए? क्रिटिकल एंगल, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बराबर। अब आप देख सकते हैं सी और डी में तो कोई लेना देना नहीं है, इक्वल भी नहीं होता, रिफ्रैक्शन से भी कोई लेना देना नहीं होता। बी को अगर हम ध्यान से देखें, आई ग्रेटर देन सी है, तो मैंने बीच में बोला था एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, लेकिन यहाँ पे हमने क्या दिखाया है, सी लेस देन आई दिखाया है, तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या होगा, बी। अगला क्वेश्चन हम देखें, रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहाँ पर हम क्या देखने जा रहे हैं, क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में रिलेशन। फोर ऑप्शन है हमारे पास, आप ए में देख रहे हैं म्यू इज इक्वल टू साइन सी, बी में म्यू इज इक्वल टू वन अपॉन साइन सी, सी में म्यू इज इक्वल टू वन अपॉन साइन स्क्वेयर सी, डी में म्यू इज इक्वल टू वन अपॉन रूट साइन सी। तो आप बता सकते हैं कौन सा सही होगा? हाँ हाँ बताइए, आपका सही आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन हम देखें, इफ द क्रिटिकल एंगल फॉर ए मीडियम इज 45 डिग्री, सी की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 45 डिग्री, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विल बी। तो इसमें क्या दिया हुआ है, क्रिटिकल एंगल दिया हुआ है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा है, मीन्स म्यू की वैल्यू पूछी है। हम जानते हैं म्यू इज इक्वल टू वन अपॉन साइन सी, ठीक है। अब आगे पहले हम चार आंसर बता देते हैं, फिर इसको सॉल्व करेंगे। ए है रूट टू, बी रूट थ्री, सी वन अपॉन रूट टू, डी वन अपॉन रूट थ्री। अब इसका थोड़ा सॉल्यूशन अगर हम देखें, हम क्या जानते हैं म्यू इज इक्वल टू वन अपॉन साइन सी, और साइन सी की जगह क्या रखेंगे 45 डिग्री, इसकी वैल्यू कितनी होती है साइन में, वन अपॉन रूट टू, तो वन डिवाइड बाई वन अपॉन रूट टू कितना हो जाएगा, रूट टू। तो एग्जैक्ट आंसर इसका आएगा रूट टू, तो ए हमारे पास इसका आंसर हुआ। आगे हम इस क्वेश्चन को देखें, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक प्लेस व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम, ध्यान दीजिए कब होगा यहाँ पर, क्योंकि मीडियम अलग अलग हैं। पहला है हमारे पास आंसर वाटर टू ग्लास, कहाँ से कहाँ जा रही है, पानी से ग्लास में, ग्लास के लिए रेयर मीडियम कहलाएगा, ये ध्यान दीजिए। वाटर क्या है, ग्लास के कंपैरिजन में रेयर है। बी ग्लास टू डायमंड, तो ग्लास यहाँ पे क्या है, डायमंड के कंपैरिजन में रेयर है। सी में आप देखें वाटर टू एयर, डेंसर से रेयर में, और फोर्थ है एयर टू मर्करी, लेकिन आप यहाँ जानते हैं मर्करी कैसा है, ये ऑप्टिकली डेंसर मीडियम नहीं है, मीन्स इसमें से लाइट ट्रेवल नहीं करेगी। तो हमारे पास सही आंसर क्या हुआ, हम जानते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होता है, जब डेंसर से रेयर में, पहली कंडीशन थी। तो यहाँ पर कौन सा आता है, वाटर टू एयर, तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हुआ, सी। आगे हम इस क्वेश्चन को देखें, ये लास्ट क्वेश्चन है, द क्रिटिकल एंगल ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम ग्लास टू एयर इज मिनिमम 4। आप इसको थोड़ा ध्यान से देखिए और अपनी कॉपी पेन खोल के बैठिए, दो लाइन लिखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। हम जानते हैं म्यू इज इक्वल टू वन अपॉन साइन सी, लिख लीजिए आप ये, और ये भी हम जानते हैं म्यू इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन लैम्डा स्क्वायर प्लस अदर टर्म्स, ये कॉची रिलेशन मैंने आपको पहले दिन बताया था। अगर हम दोनों को देखें तो क्या आता है, वन अपॉन साइन सी इज इक्वल टू वन अपॉन लैम्डा स्क्वायर, इसका मीनिंग क्या हुआ, साइन सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा स्क्वायर। इससे क्या हमारे पास निकल के आया, क्रिटिकल एंगल किस पे डिपेंड करता है, वेवलेंथ पर। तो हम आगे देखें क्या है क्वेश्चन, द क्रिटिकल एंगल ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम ग्लास टू एयर इज मिनिमम 4। सी की वैल्यू कम कब होगी, जब लैम्डा कम होगा, जब वेवलेंथ की वैल्यू कम होगी क्रिटिकल एंगल की वैल्यू भी कम होगी। तो यहाँ पे हम देखें रेड ग्रीन येलो और वायलेट, चार कलर दिए हुए हैं, तो इसमें से वेवलेंथ सबसे कम किसकी है, आपको मालूम होगा वायलेट की है। तो एग्जैक्ट आंसर क्या आएगा, क्रिटिकल एंगल किसके लिए मिनिमम होगा, वायलेट कलर के लिए। यहाँ फिर हम देखते हैं अभी हमने क्या क्या देखा था, पहले हमने थोड़ा सा क्या बताया था, एक क्रिटिकल एंगल का आइडिया दिया था। फिर ध्यान से देखें, अगर हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम इज सच दैट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री, दैट इज नॉन एज क्रिटिकल एंगल, ध्यान में आया। और दूसरी डेफिनेशन हमने अभी क्या देखी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की, क्या थी, इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, द रे रिफ्लेक्ट बैक इन द सेम मीडियम, दिस फिनोमिना इज नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अगला हमने क्या देखा, रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड क्रिटिकल एंगल।
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्रिटिकल एंगल में रिलेशन, वो क्या था, म्यू इज इक्वल टू 1/sin c, ये हमने देखा था। और उसके बाद हमने क्या देखा, क्रिटिकल एंगल फॉर फ्यू मीडिया, आपको बताया था वाटर के लिए क्रिटिकल एंगल हमने निकाला था और ग्लास के लिए बताए थे, और लास्ट में हमने क्या बताया था, डायमंड के लिए। तो क्या देखा था, जैसे जैसे हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज होता है तो क्रिटिकल एंगल की वैल्यू डिक्रीज होती है, तो इस बात को आप नोट करके रखें, अगले लेसन में ये सारी बातें हमें हेल्प करेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।